घास है। ये घास डाल रहे हैं तो आज हम आए हैं मुर्गी फार्म पे, और जो कि ये मुर्गी फार्म है हमारा आजमगढ़ की साइड में, और हमारे साथ आज अनीस खान जी है जिन्होंने अपना मुर्गी फार्म डाला है। और ये मुर्गी फार्म को अभी चालू हुए केवल 2 महीने हुए हैं, तो अनीस जी ने हमारा एक JF2D चाप कटर लिया है और ये इससे है ना अपनी मुर्गी के लिए दाना ग्राइंड कर रहे हैं। तो अनीस जी बताइए इसकी क्वालिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसकी क्वालिटी अच्छी है, जैसे हम बाहर से दाना लेते थे उससे हमें इससे सस्ता भी पड़ रहा है, बढ़िया दाना बना के दे रही है। मिक्सर भी अच्छा है इसका, मिक्सर बढ़िया दे रही है, जैसा हम चाहते हैं वैसा दाना बना के दे रही है। ओके, तो आप अभी दाना कौन कौन से उसका बना रहे हैं? सौ किलो मक्का, 10 किलो गेहूँ, और आपका 20 किलो चावल है हमारा, बाकी सोयाबीन है, कुछ बाजरा है, ऐसे करके मिक्स करके बनाया है। मिक्स करके बनाया है आपने। और आपने हमारी मशीन JF2D में कैसे आपने निकाला इन सबको? जैसे कि मतलब कैसे बनाया आपने दाना ये? नहीं सर, ये उसमें कटर, काफ़ी कटर लगे हुए हैं, 3-4 कटर मिले हैं हमें, प्लेटें मिली हैं, तो जैसे चाहे जैसा साइज चाहे वैसा कर सकते हैं इसमें। तो आप कौन से कटर में लगाते हैं? सर तीसरे नंबर का चला रहे हैं इसमें, तीसरे नंबर का बढ़िया दाना निकल रहा है। तीसरे नंबर का जी, जाली दिखाएंगे? अच्छा बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। वैसे कि ये है, इससे आटा भी बना सकते हैं आप। आपने बनाया आटा? आपने जी मैंने बनाया है आटा घर के लिए। जी घर के लिए बनाया है। कैसा रहा आटा? चीज क्या है, इससे कोई भी जैसे कि आप गर्म नहीं होता है, जैसे हम दाना डालते हैं वैसे ठंडे का ठंडा ही निकलता है। इससे और पतला करना है तो ये वाला है, जैसे हमें कोई कुटी वगैरह करनी है, जैसे ज्वार काटनी है और आपके नेपियर घास वगैरह कूटनी है, तो उसके लिए ये वाला है। अच्छा नेपियर है आपके पास? जी अभी नहीं है लगाने वाले, लेकिन नेपियर इससे अच्छी कूट जाती है। अच्छा, हमने ढेंचा वगैरह वो कूट के देखा है, इससे सही कूट जाता है। अच्छा, चरी है वो अच्छी कूट जाती है। तो अनिल जी आप हमें बताइए कि आपकी ये मुर्गी फार्म है, उस मुर्गी फार्म में आपके कौन कौन सी ब्रीड रखी हुई है आपने? हमारे में RIR है और SFG है, कड़कनाथ है। ओके, तो बाकी इसके दाने से खिलाने से आपको क्या बेनिफिट मिला है कि आपको लगा कि हाँ मुर्गी खाने से थोड़ा हेल्थी हुआ है, कुछ हुआ है? नहीं सर, ये सस्ता पड़ता है, इसके रेट ज़्यादा हैवी है, 50-60 रुपये किलो के समथिंग रेट हैं, और इसके रेट जो 20 के अंडर ही रहते हैं, तो इसमें और उसमें काफ़ी अंतर है, इसलिए ये बढ़िया हमारे लिए। अच्छा, मतलब मार्केट से जो मिलता है आपको वो कॉस्टली पड़ता है ना? जी जी जी। ओके, तो जैसे हमारे जो व्यूवर्स हैं आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो ये सुझाव दूंगा सर कि अपना 2D मशीन लें और उससे अपना बढ़िया दाना पीसें, अपने मिक्सर बना के, और मोल का दाना जो बाहर वाला पीता है उससे कम खिलाएं, इसी पर डिपेंड रहे, क्योंकि वो महंगा पड़ता है, जो प्रॉफिट होता है हमारा उसी में चला जाता है। अच्छा जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा सर, मतलब ये है मुर्गी पालन अच्छा है, बढ़िया व्यवसाय है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलता ही है। तो जैसा आपने देखा कि अनिल जी ने हमें अपनी 2D और जो उनके मुर्गी फार्म में जो बेनिफिट हो रहे हैं वो सब हमें बताया। अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सब हमें बताने के लिए, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा, अगर जो फार्म खोलना चाह रहे हैं तो 2D मशीन जरूर लें। ओके जी, जिससे कि दाने वाने में आपकी बचत हो जाएगी, बाहर का फीड खिलाओगे तो दिक्कतें आएंगी, उससे जो प्रॉफिट है वो दाने में चला जाएगा। तो 2D लें आप, अपना दाना बनाएं और जो भी है अपना प्रॉफिट कमाएं उसी से। ओके, धन्यवाद अनिल जी, नमस्कार।